गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लानौर, ब्लॉक क्लानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन बेस्ड ऑन इजिप्शियन हिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द लेसन इज, कैन यू गेस? यस, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय ए आर विलियम्स। Students, A.R. Williams was born in 1968 and he died in 1992. When he was in fourth grade, you can say fourth standard, he got an assignment from his teacher, and the assignment was to write a fiction of his own. Original fiction aapko likh karke aana hai. Unke teacher ne, jab wo fourth grade mein the, उनको कहा। एंड एट दैट टाइम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे, तो ए आर विलियम्स ने सीखा, ही लर्न्ड दैट ही कुड क्राफ्ट टेल्स फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ अदर्स। जब भी आप ये लेसन डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज स्टडी करते हैं, आपको हमेशा कंफ्यूजिंग लगता होगा, डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, तो ये लेसन तो आपको आसान लगेगा ही लगेगा। इस लेक्चर में भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस लेसन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, मेन कैरेक्टर्स मेन इंसिडेंट्स, मुख्य पात्र मुख्य घटनाएं, और दोनों को आपस में कोरिलेट करके हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे और फिर याद रखेंगे। मेन कैरेक्टर्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने टट की मामी को इन्वेस्टिगेट किया और काफी इंपॉर्टेंट रोल उस इन्वेस्टिगेशन में प्ले किया। ऐसे ही टू मेन कैरेक्टर्स हैं, नंबर वन इज होबार्ट कार्टर एंड नंबर टू इज जाय हवास। इस लेक्चर में अदर मेन कैरेक्टर्स जो टट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे, और फिर मेन इंसिडेंट्स भी इसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो काफ़ी कुछ हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं टट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और उनकी मम्मी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस की गई उससे कौन कौन सी बातें सामने आई, ये हम जानेंगे। So, these are two main characters, two main persons. Number one, Hobart Carter. Number two, Jay Hawass. इन्होंने टट की मम्मी से रिलेटेड बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस की। तो जानते हैं Hobart Carter के बारे में। Who was Hobart Carter? He was ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड टट्स मम, ही डिस्कवर्ड टट्स टॉम इन 1922। हॉबार्ट कार्टर वॉज
a British archaeologist, and he discovered Tut's tomb in 1922. He was not able to separate the body from other things, from other belongings. So he used a chisel. Mummy's head and all major joints were removed piece by piece. His investigation was resented. Because Tut's mummy was damaged. देखिए, Howard Carter ने काफी important role play किया. उन्होंने जब टट की मम्मी को बाकी चीजों से वो अलग नहीं कर पाए, तो उन्होंने चिजल का सहारा लिया. चिजल को हिंदी में छीनी कहते हैं, और उस वजह से टट की मम्मी काफी हद तक डैमेज हो गई, उसको काफी हानि पहुंची. इसलिए Howard Carter की इन्वेस्टिगेशन को काफी विरोध का सामना करना पड़ा. इसलिए कहा गया है कि हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड. नेक्स्ट, जय हवास. जय हवास वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज. सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज जय हवास भी काफी डरे हुए थे जब वो टट की मम्मी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन एकदम से उन्हें राहत मिलती है. उन्हें डर था कि कहीं फैरो की जो मम्मी है उसको डैमेज किया गया है, इस वजह से वो उन्हें कहीं कर्स ना कर दे, उन्हें कहीं श्राप ना दे दे, उन्हें किसी हानि का सामना ना करना पड़े. लेकिन एकदम से he felt relieved. एकदम से जय हवास को राहत महसूस होती है. क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखिए. After studying all the images collected in scanner, he came to know that no serious harm had been done to Tut's mummy. और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही है. He said, I didn't sleep last night, not for a second. कि मैं पिछली रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाया, एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया. लेकिन अब उन्होंने देखा कि स्कैनर के अंदर जो इमेजेस कलेक्ट की गई थी उनसे पता चला कि टट की मम्मी को कोई खास डैमेज नहीं हुआ था. तो उन्होंने कहा, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप. मैं पहले बहुत डरा हुआ था, लेकिन यह देखने के बाद कि टट की मम्मी को कोई डैमेज नहीं हुआ था, कोई खास डैमेज नहीं हुआ था, तो उन्हें काफी राहत महसूस मिलती है और अच्छा वो महसूस करते हैं. और वो कहते हैं, नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप. अब हम स्टडी करते हैं उन मेन कैरेक्टर्स को जो टट की लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड हैं. उनमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं
Amenhotep. 3. Amenhotep III. Who was he? He was Tut's father or grandfather. He was the most powerful pharaoh. And he ruled for 4 decades. 40 years तक, 40 सालों तक उन्होंने रूल किया, राज किया. काफी पावरफुल फैरो, फैरो मीन्स किंग, राजा, एम्परर उनको माना जाता था. और Amenhotep III जो हैं वो टट के फादर या ग्रैंडफादर माने गए. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं Amenhotep IV. He was the successor of Amenhotep III. Amenhotep III के उत्तराधिकारी थे Amenhotep IV. He promoted the worship of Aten. Egypt में god है Aten. Aten means the sun god. तो Aten की worship को, पूजा को उन्होंने बढ़ावा दिया, प्रमोट किया. और इसके साथ में he changed his name to Akhenaten. Akhenaten. Akhenaten means the servant of the sun. Servant of the sun. अपना Amenhotep IV ने name change कर लिया, name उन्होंने किया Akhenaten, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द सन. ही ऑल्सो चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल. ही ऑल्सो चेंज हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ सेबस टू द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten. और Akhenaten को आजकल अमरना के नाम से जाना जाता है. He smashed all the images of Amun and closed his temples. पहले इजिप्ट में अमून की वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, लेकिन अमून के सभी टेम्पल्स को Amenhotep ने क्लोज कर दिया, उनकी इमेजेस को स्मैश कर दिया, चकनाचूर कर दिया. तो ये चेंजेस आए थे Amenhotep IV. Amenhotep III के सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, और उन्होंने Aten द सन गॉड की वर्शिप को प्रमोट किया. अपना जो Amenhotep IV से नेम चेंज करके Akhenaten उन्होंने रख लिया, और रिलीजियस कैपिटल ओल्ड सिटी थीबस से चेंज करके न्यू सिटी Akhenaten उन्होंने चेंज कर दिया. और Akhenaten को अब अमरनाथ के नाम से जाना जाता है. Amenhotep IV के बाद इजिप्शियन हिस्ट्री में एक मिस्ट्रियस रूलर आते हैं. उनके बारे में ज्यादा कुछ हिस्ट्री में फैक्ट्स एंड डेटाज अवेलेबल नहीं है. And his name was Samenkhakari.
एमेनहोटेप 4 के बाद इजिप्ट पे इन्होंने रूल किया। और इनके बाद आते हैं वो मेन कैरेक्टर, वो मेन फैरो जिनसे रिलेटेड ये पूरा का पूरा लेसन है, वो थे टूटनखाटेन। Popularly known as King Tut, he changed his name Tutankhamun. It means living image of Amun. He took the throne at the age of 9 years. नौ साल की उम्र में वो फैरो बनी एंड ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years. कुछ बुक्स मेंशन करती हैं कि उन्होंने 8 years तक रूल किया था. Approximately, he ruled for about 9 years and he became the pharaoh at the age of 9. His first name was Tutankhaten, then he changed his name Tutankhamun, which means living image of Amun. So, in this part, we studied some main characters like Hobart Carter, Jaihavas, Amenhotep III, Amenhotep IV, Semenkhakre, and Tut. In the second part, we are going to discuss main incidents mentioned in this lesson. Let's discuss some main incidents. ये वो main points हैं जो students को learn करने चाहिए, समझने चाहिए, याद रखने चाहिए. When Tut died, he was a teenager. जब टट की मृत्यु हुई तो वो किशोर अवस्था में थे. He was the last heir of his dynasty. अपने राजवंश के वो आखिरी उत्तराधिकारी थे. Tut's mummy was laden with gold and after about 3300 years, Tut's tomb was discovered in the year 1922 by Howard Carter. And after that, new clues about his life and death were found. Tut lived from 1370 BC to 1352 BC. We have a particular date, 5th of January 2005, 6 p.m. On that day, Tut's mummy or Tut was taken out from his resting place that is known as Valley of Kings. Valley of Kings is a place near Luxor in southern Egypt. It's called Valley of Kings because so many Egyptian kings or pharaohs have been buried here. City scan karne ke liye
टेट की मम्मी को टॉम से बाहर निकाला गया और देर आर सो मैनी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट 1700 एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर टेकन एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन और यू कैन से कंप्यूटेड टोमोग्राफी एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ ब्रियल चैम्बर इज कंसर्न्ड देयर वर फोर श्राइन्स इनसाइड इट वन इनसाइड अनदर. Now we talk about this date, 5th of January 2005, 6 p.m. Dark clouds could be seen in the sky and the clouds covered the stars. Dusty wind was blowing. धूल भरी रेत भरी जो तेज हवा है आंधी है वो चल रही थी. आसमान में काले बादल थे और बादलों ने तारों को ढक दिया था. Tourists from around the world visited the tomb. और tomb से related amazing fact है that it was 26 feet underground. It was rock cut. And tourists were amazed to see the wall of the burial chamber and Tut's gilded face. The most striking thing was the outer lid of the coffin that was shaped like the mummy itself. Now we talk about one most important and you can say interesting thing. That is superstition. अंधविश्वास. डू यू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सुपरस्टिशन? अंधविश्वास करना. और देखिए यहां पर बहुत सारे एजुकेटेड पर्संस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे और फिर भी सुपरस्टिशन वहां पर देखा जा सकता था. व्हाट वाज द सुपरस्टिशन? दैट फैरोज कर्स और डेथ और मिसफॉर्च्यून्स वुड बिफॉल दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम. के फैरो का उन लोगों को श्राप लगेगा या उनकी डेथ हो जाएगी या उनके साथ कोई दुर्घटना होगी जिन लोगों ने उनको डिस्टर्ब किया है उनको विचलित किया है. और इसी कड़ी में एक आप कहें दुर्घटना हुई. लॉर्ड कार्नॉनवन डाइड. ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल in the investigation related to Tut's tomb, Tut's mummy. He died due to mosquito bite and pneumonia. Pneumonia or मच्छर के काटने से लॉर्ड कार्नॉनवन की टट के टॉम के मिलने के बाद 5 महीने बाद इनकी डेथ होगी. तो ये जो सुपरस्टिशन जिसको आज तक माना जाता था समझा जाता था इवन जो वहां पर गार्ड्स थे वो भी काफी डरे हुए थे सहमे हुए थे कि उन्हें
फैरो के कर्स का, श्राप का सामना करना पड़ेगा। ये बात लॉर्ड कानानवन की डेथ के साथ में और मजबूत हो गई थी। लेकिन जैसा कि हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बतलाया था कि जय हवास फेल्ट रिलीव्ड जब उन्होंने स्कैनर के अंदर कलेक्टेड इमेजेस को देखा, तो उन्होंने पाया कि जो टट की मम्मी थी उसको कोई खास डैमेज नहीं हुआ था। आफ्टर दैट ही फेल्ट रिलीव, उन्हें काफी राहत महसूस हुई थी। व्हेन टट स्टोन वॉज डिस्कवर्ड, व्हेन टट्स मम्मी वॉज डिस्कवर्ड, सो मैनी थिंग्स वर ऑल्सो फाउंड देयर एंड ऑल दीज थिंग्स कॉज्ड सेंसेशन। इट वॉज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, सो मैनी थिंग्स वर फाउंड देयर, आर्ट पीसेज वर्क इन गोल्ड, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, precious collars, bracelets, rings, sandals, amulets, linen undergarments, all these things were found. And Carter found three coffins, one in the other, and in the first coffin he found a shroud. एक कफन उन्हें फर्स्ट कॉफिन में मिलता है कार्टर को, एंड द श्राउड वॉज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो। विलो बैंत को बोलते हैं। विलो का बना हुआ गार्लैंड और उस गार्लैंड से सजा हुआ श्राउड फर्स्ट कॉफिन में कार्टर को मिला, उसके साथ में ऑलिव लीव्स मिले, उसके साथ में लोटस पेटल्स मिले, इस वजह से माना गया था कि जो आज तक इतने बड़े क्वेश्चंस का किसी भी तरीके से कोई भी आंसर्स हमें नहीं मिले थे कि What was the reason of Tut's death? What was his age at the time of his death? तो इन चीजों के मिलने से हमें ऐसे questions के answers मिले। It was said that Tut died in the month of March or April. लेकिन इसी के साथ में Carter faced a very serious problem. Tut की dead body को प्रिजर्व करने के लिए, मम्मी में कन्वर्ट करने के लिए, मम्मी बनाने के लिए जो रेजिन्स यानी के स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा जो पदार्थ यूज किया गया था, वो उसकी वजह से टट की मम्मी कॉफिन के साथ में चिपक गई थी। एंड कार्टर वॉज नॉट एबल टू separate the mummy, so he used chisel
लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था, छीनी का सहारा हॉवर्ड कार्टर को लेना पड़ा था। ये बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं, मेन इंसिडेंट्स हैं जो इस लेसन से रिलेटेड आपको लर्न करने होंगे, याद रखने होंगे, समझने होंगे। यहां यह भी ध्यान रखने की बात है कि जब टट की मम्मी का सिटी स्कैन करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा था, तो जाई हवास और वहां पर जो गार्ड्स थे, टूरिस्ट थे, वो सभी टेंस थे, अफ्रेड थे, फ्राइटेंड थे। लेकिन जैसे ही जाई हवास ने ये पाया कि टच की मम्मी को कोई डैमेज नहीं हुआ था स्कैनर में इमेजेस देखने के बाद, आफ्टर दैट ही फेल्ट रिलीव्ड, उन्होंने राहत की सांस ली। और जब सिटी स्कैन का प्रोसेस चल रहा था, हमने आपको बताया था 1700 एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर टेकन, वहां पर क्योंकि सिटी स्कैन का जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की क्रिएट ना हो, बिकॉज जस्ट ए विंड वॉज ब्लोइंग, सो जाई हवास टुक द हेल्प ऑफ प्लास्टिक फैंस और जज की मम्मी को रेस्टिंग प्लेस से निकालने के 3 घंटे से भी कम के टाइम में, यू कैन से लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे से भी कम के टाइम में वापिस जट की मम्मी को उसके रेस्टिंग प्लेस में भेज दिया गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज रिटन बाय A.R. विलियम्स, ये लेसन जो आज तक आपको कंफ्यूजिंग लगता था, डिफिकल्ट लगता था और एक आपके लिए पजल बना हुआ था, अब आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व होगी होगी और अच्छे तरीके से ये लेसन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।